गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश, क्लास 9, ज्योग्राफी चैप्टर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ग्लोब के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ ईस्ट साइड, एशिया के साउथर्न पार्ट में लोकेट करता है। इसके लैटिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये हमारा 8°4' नॉर्थ से प्रारंभ होकर 37° ईस्ट नॉर्थ में जाकर समाप्त होता है, और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करते हैं 68°7' ईस्ट से प्रारंभ होकर 97°225' ईस्ट पे समाप्त होता है। ये एशिया वर्ल्ड का सातवां बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश क्यों है? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका सातवें स्थान पे आता है। सबसे पहले रशिया, जिसका क्षेत्रफल 17.07 स्क्वायर किलोमीटर, कनाडा 9.97 स्क्वायर किलोमीटर, देन यूएसए 9.80 स्क्वायर किलोमीटर, देन चाइना 9.59 स्क्वायर किलोमीटर, देन ब्राजील 8.54 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 7.68 स्क्वायर किलोमीटर, देन इंडिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। इसके साथ ही ये विश्व का बड़ा देश होने के साथ साथ ये वर्ल्ड का लगभग 2.4% एरिया भी कवर करता है। इंडिया की बात करते हैं, ये जो इंडिया है ये इसके आसपास लगभग ये 7 मुख्य पड़ोसी देश हैं, जिनमें प्रारंभ में पाकिस्तान जो हमारा पश्चिमी प्रांत में लोकेट करता है, उसके ऊपर नॉर्थ में अफगानिस्तान, हम नॉर्थ ईस्ट साइड बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है चाइना, देन भारत से सट इंडिया से सट के आपका नेपाल लोकेट करता है, उसके बाद भूटान, उसके बाद हम ईस्ट साइड में जाते हैं हमारे म्यांमार, देन बांग्लादेश, और साउथ में जाते हैं तो श्रीलंका और मालदीव आता है। इसके साथ ही हम इसके पूर्व से पश्चिम अथवा उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं ये हमारा टोटल क्षेत्रफल लगभग 2933 किलोमीटर का लंबाई आती है। इसके साथ ही जब नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं तो इसकी टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। इसके साथ ही इसकी जब हम भूमि की लंबाई करते हैं तो जब ये गुजरात यानी जहाँ से समुद्र तब हमारा समाप्त होता है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, तो इसकी टोटल भूमि लंबाई जो है वह हमारा 15,200 किलोमीटर का आता है। और जब हम तटीय क्षेत्र यानी कि जब समुद्र के कोस्टलाइन एरिया की बात करते हैं यानी पेंसिलेटिव की बात करते हैं तो ये टोटल एरिया 7,516.6 किलोमीटर आता है, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप दोनों ही शामिल हैं। इसके साथ ही ये 3 साइड बाउंड्री पेंसुलर क्यों है? क्योंकि ये 3 साइड समुद्र से घिरा हुआ। पेंसुलर मींस व्हिच एरिया इज कवर्ड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर व्हिच इज नोन एज पेंसुलर प्लेटू, जिसमें अरेबियन सी पश्चिम में, साउथ में इंडियन ओशन, और ईस्ट में आपका बंगाल की खाड़ी आती है। इसके साथ ही सूर्य का प्रकाश, जब आप देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश पूर्व से पश्चिम में आने के लिए करीब 2 घंटे का समय लगता है, जिसके कारण पूरे भारत में अगर ऐसा होता तो पूरे भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो टाइम है वो विचलित हो जाता, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन खींचा गया जो हमारी 82°30' नॉर्थ से खींची हुई है। ये भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और इसी के अकॉर्डिंग पूरा भारत का समय मानक समय निर्धारित किया गया है, जिसे हम लोग 5:30 GST के नाम से जानते हैं। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है जो कि मिर्जापुर विंध्याचल से होकर गुजरती है। जैसे आप कभी भी मिर्जापुर से विंध्याचल की ओर जाएंगे तो आपको इधर से जाते समय लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा जिसमें बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। अभी तक आपको हमने इसको बोर्ड पे बताया, अब आपको ग्लोब में भी दर्शा देते हैं। ग्लोब में ये हमारा ग्लोब है, देखिए ये ग्लोब है जो हमारा ये लाइन दिखाई दे रही है ये आपकी इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर के नीचे का एरिया जो है वह आपका साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसके साथ ही ये आपका जो लाइन खींच रही है जैसे आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये आपका जो लाइन खींचे ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी हुई। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें खींची हैं, ये आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस प्रकार से इसका जो साउथर्न जो जोन है वो टेम्परेट जोन में आता है, और
और ये जो एरिया है वो आपका ट्रॉपिक का कैंसर से ऊपर का एरिया कहलाता है। इसके साथ ही हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, वो आपको भी कुछ क्षणों के बाद बताते हैं। उससे पहले आप ग्लोब में देख लीजिए, ये एशिया, एशिया के दक्षिण में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एशिया के दक्षिणी प्रांत में भारत स्थित है। अभी हम लोगों ने जैसा कि आप देख चुके हैं, अब आप इसकी बात करते हैं, इसके उत्तर साइड में आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में भी नॉर्थ यानी हिमालय कवर है, नॉर्थ में भी हिमालय और ईस्ट साइड में भी नवर करता है, और साउथ मार्ग में आपका समुद्र, जो कि समुद्र जो कि इसको चारों साइड से दुश्मनों के आक्रमणों से हमको बचाता है।